Hello everybody, Namaste and welcome to Home is Where Your Heart. आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं और दिवाली की शुभकामनाएं. मैं अपने एंट्रेंस का डेकोर मैंने कैसे किया है और DIY से लास्ट में टचअप जो घर को दिया है बहुत से शेयर कर रही हूँ. तो चलिए देखते हैं. पहले छोटा सा कुलो लिया है, ग्लूगन के मदद से बेल के पत्ते, गेंदे के फूल, रजनीगंधा के फूल मैं स्टिक करूँगी. यहाँ पे आपको चाहिए आप पेपर फ्लावर्स या आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी स्टिक कर सकते हैं. इसी तरह पूरे कुलों में हम लोग फ्लावर्स को सजा देंगे. और इसके बाद मैंने स्टिकर्स लिया हुआ है शुभ लाभ का, जो मैं इसमें स्टिक कर दूंगी और पीछे मैं लगा दूंगी डबल साइडेड टेप और इसकी मदद से मैं मेरे एंट्रेंस में इसको स्टिक करूंगी. एंट्रेंस में शेल का तोरण है, उसके ऊपर से मैं लगाऊंगी गेंदे के फूल की माला और ऊपर में है गणेश जी और लक्ष्मी जी का फ्रेम. साइड में बेल के ऊपर मैं स्टिक कर दूंगी शुभ लाभ को और नीचे जला दूंगी तेल वाले दिया. मैंने लिया है जूट का राउंड मैट और इसमें मैं स्टिक करूंगी पेपर फ्लावर्स. इसमें चाहिए आप रियल फ्लावर्स भी स्टिक कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी स्टिक कर सकते हैं ग्लू गन के मदद से. यहाँ पे मैंने 5 डिफरेंट कलर फ्लावर्स स्टिक किए हैं. लिया है बैटरी ऑपरेटेड लाइट, उसमें मैं स्टिक कर रही हूँ डबल साइडेड टेप. इसकी मदद से मैं जूट मैट के सेंटर में उसको स्टिक कर दूंगी और हमारा DIY तैयार है. इस तरह मैं 4 मैट को तैयार कर दूंगी. चारों मैट के पीछे डबल साइडेड टेप लगाया है और इसे मैं सेंटर वाले पिलर में स्टिक कर रही हूँ एग्जैक्ट वे में. और नीचे प्लेस करूंगी एक साइड टेबल और उसे हाईलाइट करने के लिए एक ब्राइट रनर का यूज करूंगी, जिसे प्लेस करूंगी मैट के नीचे और ऊपर रखूंगी ब्रास बॉल में फ्लावर्स और साइड में 2 दिए. जूट वाले हैंगिंग के बगल में है 2 फ्रेम्स, इसमें मैंने ब्लाउज पीस डाला है. ऊपर लाइट से मैंने क्रीपर्स को डेकोरेट किया और अब मैं ले रही हूँ एक रॉ सिल्क का साड़ी, जिसे मैं प्लेस करूंगी लोअर सिटिंग एरिया में. साड़ी का जो बॉर्डर है येलो ग्रीन रेड, मैं उसे आगे की तरफ प्लेस करूंगी जो बहुत खूबसूरत दिखता है और उसके ऊपर रख दूंगी ब्राइट कलर के कुशन्स. यहाँ पे सुंदर चौकी के ऊपर रखा हुआ है गणेश जी और लक्ष्मी जी का DIY फ्रेम. ऊपर में है बुद्धा कॉर्नर, 6 लाफिंग बुद्धा और साइड में बुद्धा जी को डेकोरेट किया है लाइट के साथ. कर्टन को हाईलाइट करने के लिए डेकोरेट किया है 40 मीटर का लेड लाइट के साथ और 2 फूलों के माला. यहाँ पे लिया हुआ है एक स्क्वायर शेप का वुड पीस और प्लेस किया हुआ है कपड़े के ऊपर, जिसे मैंने चारों तरफ से ग्लूगन से स्टिक किया है. गोटा पट्टी लेस के साथ मैं उसे चारों तरफ से डेकोरेट कर दूंगी. अब हमारा बेस रेडी है और उसके ऊपर मैं और एक बॉर्डर वाला कपड़ा स्टिक करूंगी ग्लू गन की मदद से. अब गणेश जी और लक्ष्मी जी को मैं स्टिक करूंगी ग्लू गन की मदद से ये लाल कपड़े के ऊपर. और अब हमारा DIY फ्रेम रेडी है. यहाँ पर मैंने लिया है टेराकोटा प्लेट, जिसे मैंने लाल कलर का एक्रेलिक कलर से कलर किया है और उसके ऊपर मैंने प्लेस किए ये फ्रेश गेंदे के फ्लावर्स और ये ब्यूटीफुल सा मटका का दिया और हाईलाइट करने के लिए येलो और रेड कलर का पेटल्स बना के रंगोली कलर्स फिल किए हैं. दिया को लिट किया है और ये ब्यूटीफुल कॉर्नर रेडी है. साइड वाला मिरर वॉल और हाईलाइट करने के लिए उसके ऊपर मैंने प्लेस किए हुए हैं वो लेड लाइट्स. शू रैक के ऊपर अब प्लेस करूंगी एक ब्यूटीफुल सा रनर
और हाईलाइट करने के लिए रखूंगी उधर लाइट वाला फ्लावर वास। और अब आती है सोफे की बारी। सोफा को हाईलाइट करने के लिए यहाँ मैं यूज कर रही हूँ हैवी कांजीवरम साड़ी और सोफा के ऊपर साइड में पूरा लगा दूंगी। यहाँ पे लिया है डबल साइडेड कुशन्स जो मैं अभी रखूंगी सोफा के ऊपर। ये कलरफुल कुशन्स को बीच में रखूंगी और साइड में दो ब्राउन पिलोज। ये सिंपल एलिगेंट लुक बहुत सुंदर दिखता है। लिविंग रूम पूरा तैयार है जिसे मैंने डेकोरेट किया है दियास लाइट और DIY के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। स्टे सेफ। बाय बाय।